they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। तो अब हम जल्दी से हमारा, जैसे कि आपसे देखा था पिछली वीडियो में, हमने अपना घर बनाया था और कुछ एनिमल्स भी आ गए थे, तो उनके लिए भी हमने छोटे छोटे घर बना दिए थे। और तो अब हमारा ये सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया है, तो अब हम जल्दी से इसको माइन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हमें कॉबल स्टोन्स मिलेंगे, इससे हमें लावा भी मिल सकता है, इससे हम कॉबल स्टोन जनरेटर बनाएंगे। तो हम जल्दी से इनको माइन करते हैं और देखते हैं हमें कुछ अच्छा मिले। तो अभी तो हमें सिर्फ कॉबल स्टोन्स ही मिल रहे हैं। और गाइस, आज हम फार्मिंग भी स्टार्ट कर देंगे, इसके लिए मेरे को थोड़े से कॉबल स्टोन्स की ज़रूरत पड़ेगी और डर्ट की भी। तो इसलिए अब हम जल्दी जल्दी से माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें डायमंड्स कह रहा हूँ, हमें थोड़ा सा डर्ट मिल जाए जिससे हम अपना फार्म स्टार्ट कर सकें। तो हम जल्दी से वेट करते हैं, हमें जल्दी से डर्ट मिले। और ये काम मेरे घर की तरफ जा रहा है, तो हम जल्दी से इनको माइन कर लेते हैं। और ये माइनिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। और ये हमें थोड़ा स्टोन, ये कोई माउंटेन एरिया लग रहा है, जबकि यहाँ पे हमें सिर्फ कॉबल स्टोन्स और फ्लिंट मिल रहा है। तो हम जल्दी से इनको माइन करते हैं। और गाइस, अगर आपने देखा था, और ये मुझे आयरन मिल गया गाइस। तो अब इसके लिए मुझे आयरन के लिए, तो पहले मुझे थोड़े से ओक से स्टिक्स बनानी होंगी और एक पिकेक्स बनानी होगी स्टोन की, जिससे मैं इन आयरन्स को माइन कर सकूं। और एक स्टोन की पिकेक्स बना ली, और अब मैं एक स्टोन की वो ही बना लेता हूँ। वो ही तो मेरे पास है, क्योंकि मुझे फार्मिंग भी करनी है। तो मैं एक जल्दी से एक शॉवल नहीं बनानी मेरे को बनानी है एक स्वॉर्ड। ये बना ली मैंने स्वॉर्ड। अब हम जल्दी से चलते हैं आगे। और हमने एडवांसमेंट भी एक कंप्लीट कर ली, और हमें एक आयरन भी मिल गया। और फर्नेस भी एक क्राफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं फर्नेस में ही हम इन सब सारे आयरन्स को स्मेल्ट करेंगे, उसे हम स्मेल्टरी भी कह सकते हैं। बट जल्दी से अब इनको सेटअप कर देते हैं यहाँ पे। और इसमें हम थोड़ा सा कोल डाल देते हैं, और अपना आयरन हम अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी और हमें अगर आयरन मिलता है तो हम उसको भी देखेंगे। और ये कैरेट को मैं इसीलिए नहीं खा रहा हूँ, मैं एप्पल खा सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे भूख लग रहा है, इसलिए मैं एप्पल खा लेता हूँ जल्दी से। तो अब मेरा हेल्थ तो भी जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। और गाइस, ये हमें डायोराइट स्टार्ट हो गया, तो मैं डायोराइट ही वेस्ट करूँगा, क्योंकि डायोराइट मुझे बहुत बुरा ब्लॉक लगता है माइनक्राफ्ट का। और गाइस, ये हमें आयरन मिलना स्टार्ट हो गया, और ये वुड भी मिल चुका है हमें, और थोड़ा वुड। तो मुझे सैपलिंग्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा सैपलिंग्स मेरे पास हैं भी नहीं, मेरे पास सिर्फ और एक भी सैपलिंग नहीं है मेरे पास। पर फार्मिंग के लिए थोड़ा बहुत सामान है मेरे पास, तो मैं जल्दी से जितना भी मुझे वुड मिला है उसको मैं पहले तो प्लैंक्स बना लेता हूँ। ये चार प्लैंक्स मैंने बना लिए, और ये एट बना लेते हैं। और हम इनसे थोड़ी सी स्टिक्स बना लेते हैं। हम ये बना ली मैंने 8 स्टिक्स। तो हम इन 8 स्टिक्स से जल्दी से हम एक वो बना लेते हैं, एक अपने लिए स्टोन की एक्स। ये बन गई स्टोन एक्स, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा क्राफ्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा एंगेज होना पड़ेगा, क्योंकि हम पे अभी थोड़े से ये भी आ रहे हैं वुडन लॉग्स, तो हम वुड को काटने के लिए भी हमें थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा इन सब चीज़ों का। और ये डायरेक्ट मिलना स्टार्ट हो गया गाइस। और ये मुझे क्या मिल चुका है, ये है मेरे हिसाब से ग्रेनाइट लग रहा है मेरे को, और फिर ओ मशरूम खाओ। तो गाइस, अगर अब मेरे को भूख लगेगा तो मेरे पास इनफ फूड होगा, क्योंकि ये मशरूम खाओ ही हमको फूड दे सकता है, और वो दे सकता है हमें बोल्स से। तो अब मैं जल्दी से इन बोल्स को भी भर लेता हूँ थोड़े से मिल्क से, स्ट्यू से। और गाइस, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्यू हमारे खाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स होगा। हाँ, ये सही जगह चला गया हमारा मशरूम का। तो हम जल्दी से इसे पी लेते हैं, और हमारा हेल्थ भी अब फुल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास अब इनफ कितना सारा मेरे पास आयरन आ चुका है। यही मेरे पास कुछ 9 आयरन है, और कोल तो मेरा उस पर डला ही है थोड़ा सा, और मेरे पास थोड़ा और कोल है अभी। तो मैं इन सारा कोल को और इसको स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ जल्दी से, जिससे हो जाए।
और चेक करता हूँ मेरे पास अगर थोड़ा और आयरन आया हो। और गाइस ये डायोराइट हमें मिलना स्टार्ट हो गया और आयरन मिल रहा है हमें, तो हम जल्दी से इसको माइन करते हैं। और ये हमें ज़ॉम्बी मिल गया गाइस, इसे मुझे गिराना होगा गाइस वरना ये मेरे को मार भी सकता, और ये इसने मुझे मार दिया। और गाइस इसने मुझे मार दिया है, मुझे इससे जल्दी से छुटकारा लेना होगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे फंस चुका है हमारा, पर ये हमारी मशरूम का को ही डैमेज कर रहा है, तो मुझे इसको देख के मारना होगा थोड़ा, वरना ये मेरी मशरूम का भी मर सकती है इसके साथ साथ। ओह नो गाइस, और हमने बचा लिया अपनी काव को भी और ज़ॉम्बी को भी मार दिया हमने। बट गाइस एक बहुत सैड थिंग है हमारे लिए कि हमारी पिकेक्स चली गई है जो हमने अभी बनाई थी, तो अब मुझे दोबारा से पिकेक्स को क्राफ्ट करना होगा। उसके लिए पहले मुझे स्टिक्स को बनाना होगा, और ये मैंने स्टिक्स बना ली हैं, तो मैं जल्दी से एक और पिकेक्स ले लेता हूँ यहाँ से। मेरे पास कॉबल स्टोन्स तो हैं, और मैं 3 बना लेता हूँ या 2 हमारे लिए इनफ होंगी। और गाइस मेरे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारी वो भी आ गई है क्ले, तो हम पे रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, तो हम जल्दी से इन रिसोर्सेज को भी इसमें रख देते हैं हम सारे रिसोर्सेज अपने, और हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इसको तोड़ते हैं कोल को। और मैं यहाँ पे पीछे होके एकदम तोड़ रहा हूँ इन सब सामानों को, जिससे मेरा कोई भी सामान अगर कोई ज़ॉम्बी वोम आता है तो वो हमें डैमेज ना कर सके। तो हम जल्दी से एक और थोड़े से लिए अपनी वो क्राफ्ट कर लेते हैं एक्स। तो मैंने जल्दी से पहले तो मैं थोड़े से प्लैंक्स बनाऊँगा यहाँ पे, और ये मैंने लगाए यहाँ पे प्लैंक्स, और यहाँ से मुझे थोड़ी सी ये चाहिए। और बट मुझे इसमें वुडन नहीं चाहिए, मुझे स्टोन की चाहिए, तो मैं जल्दी से यहाँ से स्टोन की क्राफ्ट कर लेता हूँ। ये मैंने बना ली, आधी बन गई, ये पूरी बन गई। ये भी गो गाइस मैंने बना ली है, अब मैं जल्दी से इसको तोड़ने लगता हूँ यहाँ पे। ये मेरे को थोड़ा सा अलग वुड लग रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल वुड नहीं है, वो ये स्प्रूस लग रहा है हमारे को। और ये डायोराइट मिलना स्टार्ट हो गया, मैं जल्दी से अपना फार्मिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ गाइस, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम जल्दी से इसको और माइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको भी तोड़ता हूँ पहले, और फिर जल्दी से, और अब इतना रिसोर्सेज हमारे लिए इनफ होंगे आगे के लिए, तो हम जल्दी से चलते हैं और अपने लिए एक फार्म स्टार्ट करते हैं बनाने। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं अंदर चलता हूँ अपने घर के, और अपने घर के पीछे से मैं अपना फार्म स्टार्ट करूँगा बनाना। तो उसके लिए मुझे ये भी थोड़ा तोड़ना होगा फेंस, और मैं शिफ्ट दबा के ही करूँगा सारा काम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कुछ भी वेस्ट हो। मैं ये 3 तोड़ देता हूँ यहाँ से लाइक दिस, और मैं जल्दी से इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ अपने इसकी मदद से, डायोराइट्स की मदद से। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डायोराइट्स लगा दिए हैं, मैं इसी को एक्सटेंड करते जाता हूँ, यही कुछ 3 ब्लॉक्स तक मैं एक्सटेंड करूँगा इसको। ये मैंने 3 कर दिए हैं, मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा, और ये हमने बना लिया है इसको, और ये एक्स्ट्रा लग गया है मेरे ब्लॉक। तो मैंने ये लगा दिए हैं सारे ब्लॉक्स, मुझे 3 ब्लॉक का ही स्पेस चाहिए था, तो मैंने लगा लिया है इस 3 ब्लॉक के स्पेस को। अब मैं यहाँ से फार्मिंग स्टार्ट करूँगा। इसके लिए पहले अब मुझे थोड़ी सी डर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और डर्ट मेरे पास सिर्फ 2 हैं, तो 2 से तो हमारी फार्मिंग होगी नहीं, तो अब पहले हम और डर्ट लेके आते हैं, और 2 डर्ट से हमारा कुछ नहीं। और ये गाइस मैं सब लेके गिर चुका हूँ नीचे, मेरी कैरेट भी गिर गई, सब गिर गया मेरा। अब मैं जल्दी से और ऊपर कैसे पहुँचूँगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी वाटर बकेट सब कुछ चला गया है सिर्फ इस चेस्ट के अलावा, क्योंकि अभी यहाँ पे एक क्रीपर स्पॉन हो गया था, वो सब कुछ तबाह करके ले गया है यहाँ से। तो अब हमारे पास स्टार्टिंग से ही अब हमें सब कुछ दोबारा से माइनिंग करना होगा, बट मेरे आयरन शायद मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि वो भी चले गए थे अभी यहीं पर, क्योंकि मैं गिर चुका था एक बार और क्रीपर ने मुझे पूरा ब्लोन अप कर दिया था, इसलिए मुझे दोबारा से सब कुछ माइन करना होगा।
तो हम जल्दी से माइनिंग स्टार्ट करते हैं और जल्दी से वेट करते हैं स्पेस का ख़त्म होने का, क्योंकि अब वाटर वगैरह हमें इस फेज में तो मिलेगा नहीं। हमने कितनी मेहनत से वो सब माइन किया था, बट सब चला गया हमारा। तो बात नहीं, हमारा दोबारा से हो जाएगा सब कुछ। पर गाइस अब हमें थोड़ा सा अटेंटिव रहना होगा, क्योंकि अब कोई भी आ सकता है यहाँ पर, और मुझे दोबारा से टिकट्स। और गाइस आप देखिए मेरे पास तीन तीन ये हो चुकी हैं क्राफ्टिंग टेबल्स, बट इनका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए जब तक हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होंगे। और मेरे पास थोड़ी सी ये है, और मेरे पास कॉबल स्टोन्स भी हैं बहुत सारे, तो मैं जल्दी से यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टूल्स में हमें यहाँ पे पिकेक्स बनानी है, तो हम पिक यहाँ पे लिख देते हैं। और ये आ चुकी है हमारे सामने एक स्टोन पिक, जल्दी से एक स्टोन पिक कर लेते हैं क्राफ्ट। और अभी हमारी क्राफ्ट हो चुकी है, तो हम जल्दी से अब चलते हैं और इसको जल्दी से हम दोबारा से तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस अब हमारे पास वुड भी आ चुका है, तो हम जल्दी से वुड भी काट लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें वुड की भी ज़रूरत है बहुत। बस क्रीपर यहीं पे ग्लो हुआ था, इसीलिए मेरा सारा कुछ चला गया था। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा दूर दूर रहा यहाँ पर बनाऊँगा सब कुछ, क्योंकि तो कभी भी कोई भी आके यहाँ पे कुछ भी ग्लो कर सकता है। तो अब हमें थोड़ा अटेंटिव रहना होगा, जिससे कोई भी कुछ डिस्ट्रॉय ना करे यहाँ पर। ये मैं इसी की बात कर रहा था, ये यहाँ पे फट आता है ऐसे ही। बट इस बार हमने, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट लगे थे, इसलिए मैं इसको यहाँ से गिरा नहीं पाया, और ये तब तक फट गया था। पर अब मैं इसे फटने नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा अटेंटिव होकर खेलूँगा गाइस। और यहाँ से ब्लॉक ही नहीं मिला इसको। ग्लिच हो गया था अभी गाइस। ये मुझे थोड़ा सा क्रीपी लग रहा है यहाँ पर खड़े होकर माइन करने। ये एक चेस्ट आ गया हमारे पास, तो हम जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा खास, तो हम जल्दी से इसे लेके इसको तोड़ते हैं जल्दी से यहाँ से, और आगे बढ़ते हैं। गाइस मैं सोच ही रहा था कि मैं जल्दी से कुछ चीज़ क्राफ्ट कर लूँ सारन की, बट हार्ड लक हमारा कुछ नहीं हो पाया, पर क्रीपर आके ग्लो हो गया। हम वेट करते हैं जब वो एक बदबू वाला चेस्ट आएगा जिसमें से बांस निकली होगी, और एक दिल वाला चेस्ट आएगा। ये मैंने दोबारा इसको कर दिया है एस्केप, इसके साथ स्कैम हो गया है बड़ा वाला। तो हम जल्दी से चलते हैं और यहाँ से थोड़े से वो करते हैं जल्दी से और माइनिंग। हमें इसमें टोटल 254 ब्लॉक्स माइन करने हैं, और 254 ब्लॉक्स को माइन करने के बाद हमारा सेकंड फेज भी ख़त्म हो जाएगा, और हम फिर थर्ड फेज पे आ जाएंगे। और इसमें टोटल 10 फेज होंगे। ये मैंने इसको दोबारा हटा दिया, इसमें क्रीपर्स बहुत सारे स्पॉन हो रहे हैं, बट अब हमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हम थोड़े से, और ये वाटर भी फ्लो होना बंद हो गया है। अब जल्दी से इसको माइन करते हैं यहाँ पर, और जल्दी से यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ और थोड़ी सी। तो कहा जाए कि आप देख सकते हैं मेरी एक और पिकेक्स टूट चुकी है, तो मैं जल्दी से एक और मैप बना लेता हूँ यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल में ही। अब मेरे कॉबल स्टोन्स ये रहे, तो मैंने ये जल्दी से एक और क्राफ्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक और बना ली। मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मेरा सारा सामान चला गया है, बट कुछ नहीं कर सकते हम। मैंने सारा सामान सिस्टमेटिक कर लिया है यहाँ पे। ये छोटा सा एक हैक है, इससे हम अपना सारा सामान दोबारा से ऐसे एकदम से कर सकते हैं। और इस बार मैं कोई भी वो नहीं चाहता हूँ, तो मैं सारा सामान जल्दी से इसमें रख देता हूँ, जो उसमें आ जाएगा। तो हम जल्दी से और थोड़ा सा माइनिंग करते हैं यहाँ पे, और इन सब सामानों को, इन सबको तोड़ते हैं। ये सेकेंड फेज हमारा कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
पर फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इसमें हमें कोबल स्टोन्स मिलने वाले थे तो वो मिल चुके हैं। अभी हमें और थोड़े से मॉब जाएंगे इसमें, फिर ये मॉब हमारा ख़त्म भी हो सकता है। फेस हम वेट करते हैं जल्दी से हमारा ये फेस ख़त्म हो, हम नेक्स्ट फेज में जाएँ। बट हम इस फेज को इसी वीडियो में रखेंगे और अगले वीडियो में अब हम अपना अगला काम करेंगे। इस फेज को हम जल्दी से ख़त्म करते हैं यहाँ पे और अगले फेज की तैयारी करते हैं। अगला फेज जहाँ तक मुझे लगता है नेदर होगा या फिर तो कोई और फेज होगा। अगर नेदर होगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और एक और मशरूम का होगा तो ये जल्दी से यहाँ से हटे जिससे मैं अपनी माइनिंग कर सकूँ आगे। साइड साइड प्लीज साइड लेफ्ट साइड। तो हमारा वेट जल्दी से करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को दोबारा आयरन मिल चुका है एक, तो अब ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें दोबारा से आयरन मिलना स्टार्ट हो गया है। तो हम जल्दी से उस आयरन को लेकर चलते हैं आगे। और ये एक और जूम भी यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, और ये हेलमेट पहना है इसलिए इसको कुछ नहीं होगा, ये मरेगा भी नहीं यहाँ पे क्योंकि धूप से, क्योंकि ये हेलमेट पहना हुआ है। बट ये मुझे मार सकता था और इसने मुझे मार दिया है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको डाई होना होगा। और गाइस देखिए मेरा आयरन दोबारा से बच चुका है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बच चुका है मेरा आयरन। बट मेरा कुछ सामान गिर चुका है नीचे, बट इसकी हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि तो और आयरन मिल जाएगा हमें सामान, बस हमारा आयरन सेफ है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ये हमारी क्राफ्टिंग टेबल्स 10 मिल चुकी हैं हमें दोबारा, और जल्दी से वो कोल भी मिल गया गाइस हमें। ये वीडियो थोड़ा सा हमारे लिए लकी भी है और अनलकी भी है। और गाइस ये हमें एक वाटर मिल चुका है, यो गाइस हमें वाटर मिल चुका है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलता हूँ अपने घर के ऊपर और वहाँ पे बनाता हूँ एक अच्छी सी चीज़ जो आपको देख के भी अच्छी लगेगी। बस ये मुझे गिरा ना दें इसकी मुझे चिंता है, अगर इन्होंने मुझे गिराया तो फिर इनको जीने का कोई हक नहीं होगा। हाँ मैं यहीं पे कह रहा था कुछ, यहाँ पे मैं बनाऊँगा जो मुझे बनाना है और मुझे आप समझ गए होंगे मेरे पास अगर 2 आइस है तो मुझे क्या बनाना होगा यहाँ पे। मुझे यहाँ पे बनाना है 3x3 का इनफिनाइट वाटर सोर्स। ये 3x3 का नहीं है मुझे पता है, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ। अभी आप बस एक मिनट रुकिए, मैं इसको अपग्रेड करता हूँ। ये मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ और इसको यहाँ लगा देते हैं और जो मेरे पास एंड साइड है उसको यहाँ लगा देते हैं और जो मेरे पास वो 3 आइस हैं उनको मैं लेता हूँ जल्दी से यहाँ पे, और एक को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, एक को यहाँ प्लेस कर देता हूँ। इनको मैं तोड़ूंगा बाद में, बट तोड़ भी मैं इनको अभी देता हूँ। मैंने इनको तोड़ दिया पर अभी थोड़ा सा काम हमारा रह गया है। और जल्दी से ऊपर चलते हैं, नीचे चलते हैं, और ये हमारा चेस्ट मिल चुका है हमें, तो हम जल्दी से इसको तोड़ देते हैं यहाँ से। और गाइस हमारा फेज ये ख़त्म हो चुका है इसके साथ, और हम जल्दी से देखते हैं हमारे पास कितना आयरन है। हमारे पास सिर्फ 1 आयरन और है तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, तो जल्दी से हम इसको पहले तोड़ते हैं इसको अपने जो हमारा प्लैंक्स हमने लगाए थे। इनफिनाइट वाटर सोर्स बनाया है गाइस हमने, बट अभी हमने बनाया नहीं है। विंटर कवर्स द लैंड, ये हमारी गाइस स्नोई बायोम स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, वैसे आज की वीडियो में आपने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है इसलिए आज की थोड़ी सी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, पर आज कुछ हुआ नहीं है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।